अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि मेरी वीडियोस के कमेंट्स में बहुत बार ये सवाल किया जाता है कि फैसल भाई, आप अपनी वीडियोस का थंबनेल कैसे बनाते हैं, इसी तरह आप में से बेशुमार लोग ये सवाल भी करते हैं कि फैसल भाई, आप अपनी वीडियोस का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। जैसे इस वक्त आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, या फिर इसको देख लें, या फिर ये वाला बैकग्राउंड देख लें, तो ये तमाम के तमाम बैकग्राउंड्स रियल नहीं हैं। ये सारे का सारा कमाल है ग्रीन स्क्रीन का, क्रोमा की का। तो ये बैकग्राउंड्स मैं कैसे तब्दील करता हूँ, कैसे चेंज करता हूँ, और ये बैकग्राउंड्स मैं कहाँ से लेता हूँ, यही सब कुछ बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले एक छोटा सा काम कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी वीडियोज़ का बैकग्राउंड कहाँ से ले सकते हैं, और इसे कैसे आप सेट कर सकते हैं, कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी एक वीडियो शूट करनी है ग्रीन पेपर पर, ग्रीन फैब्रिक के पीछे, या ग्रीन दीवार पर पेंट कर लें, जो कुछ भी कर लें, आपने अपनी एक वीडियो इस तरीके से तैयार करनी है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो आपने बनानी है अपनी इस तरीके से। जब आपकी ये वीडियो तैयार हो जाए, तो उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना है freepik.com पर चले जाना है। यहाँ पर आपको हर तरह के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। मैं जितने भी अपनी वीडियोज़ के लिए बैकग्राउंड लेता हूँ, वॉलपेपर्स लेता हूँ, freepik.com से लेता हूँ। यहाँ पर आपको बेशुमार कलेक्शन मिल जाएगी। जैसी आप चाहें वैसा आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपनी वीडियोस के पीछे। ये देखें, यहाँ से आपको बेशुमार कलेक्शन मिलती है। ये सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं, देख लें, आपके सामने हैं। इधर से आपको ये मिल जाएंगे, हर तरह के मिल जाएंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आपने अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं, ये देखें, ये है, ये है, ये है, ये है, ये मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ कैसे वीडियो में चेंज करते हैं। इसके बाद आपने जो वीडियो शूट की है, उसको आपने लेके आना है अडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर। अडोबी प्रीमियर प्रो में आपने अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। ये मैं अपनी वीडियो को प्रीमियर प्रो में ले आया हूँ। अब यहाँ पर आपने अपने वो जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड आ चुके हैं। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया है, लेकिन अभी तक ग्रीन स्क्रीन चल रही है। इसको आपने कैसे करना है, यहाँ पर आपने चले जाना है अल्ट्रा की, आपने फाइंड करना है इफेक्ट्स में आके अल्ट्रा की। ये हमारे सामने आ चुका है अल्ट्रा की। जब आप इसको ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर लाकर छोड़ देते हैं, तो ये आपकी वीडियो के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने इफेक्ट्स कंट्रोल पर चले जाना है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा की का मेन्यू नज़र आएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कलर पिकर को लेना है, और कलर पिकर में आके ग्रीन कलर को चूज़ कर लेना है इस तरीके से। ये देखें, ये मैंने चूज़ कर लिया, ओके कर दिया। ये देखें, हमारा बैकग्राउंड जो ग्रीन स्क्रीन वाला है वो रिमूव हो गया है, और हमारा अपना बैकग्राउंड आ चुका है। अब ये जो मैंने अल्ट्रा की पेस्ट की है अपने एक क्लिप पर, इसको मैं अपने तमाम क्लिप्स पर पेस्ट करता हूँ। इसको मैं पेस्ट करता हूँ पेस्ट एट्रीब्यूट्स, इस पर भी और इस पर भी। ये मैंने अपने तमाम वीडियो क्लिप्स पर क्रोमा की फ़िल्टर को अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर आपने जो अपना बैकग्राउंड लगाया है, इसको पूरी टाइमलाइन पर आपने सेट कर देना है। ये देखें, इस तरीके से ये हमारी पूरी वीडियो टाइमलाइन पर सेट हो चुका है। अब ये देखें, ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब ये जो मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपके सामने बैकग्राउंड चेंज किए थे, वो मैंने कैसे किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप टाइमलाइन पर लाते हैं। अब इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ इस बैकग्राउंड को, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पर मैं दूसरा बैकग्राउंड ले आता हूँ। ये देखिए, मैं दूसरा बैकग्राउंड ले आया। जहाँ जहाँ मैंने बैकग्राउंड के लिए चेंज का बोला है, वहाँ वहाँ से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं दूसरा ले आता हूँ, और यहाँ से भी इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फोर्थ ले आता हूँ। ये देखें, इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज करता हूँ मैं। तो ये मैंने अपने तमाम बैकग्राउंड सेट कर दिए हैं। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे इस वक्त आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, या फिर इसको देख लें, या फिर ये वाला बैकग्राउंड देख लें, तो ये तमाम के तमाम बैकग्राउंड रियल नहीं हैं। ये सारे का सारा कमाल है ग्रीन स्क्रीन का, क्रोमा की का। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट अडोबी प्रीमियर प्रो के अल्ट्रा की को, क्रोमा की को सीखना है। वो आप सीखने के बाद फ्री पिक पर जाकर अपना मर्ज़ी का बैकग्राउंड डाउनलोड कर लें। उसको डाउनलोड करने के बाद अपनी एक वीडियो बना लें,
ग्रीन पेपर पर, ग्रीन पर्दे पर, ग्रीन दीवार पर, और उसको फिर आप दोनों चीज़ों को, अपने वॉलपेपर को, अपने बैकग्राउंड को और अपनी वीडियो को Adobe Premiere Pro में इंपोर्ट कर लें। यहाँ पर आप पहले वाली टाइमलाइन पर वीडियो रख लें, सेकंड टाइमलाइन पर अपना बैकग्राउंड रख लें, और उसके बाद आप अल्ट्रा की फिल्टर को यहाँ पर अप्लाई कर दें अपने तमाम क्लिप्स पर। जहाँ जहाँ बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, जिस जिस क्लिप पर करना चाहें, जो जो बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, आप इजीली वो उसमें रख सकते हैं। इस तरीके से मैं अपनी वीडियोज़ का बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मोबाइल में भी कुछ एप्लीकेशन हैं, लेकिन इतनी सफाई नहीं है जितनी सफाई से Adobe Premiere Pro में आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें, और जहाँ पर आप इसको शेयर करना चाहें ईजीली आप शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। इस तरीके से आप अपना ये काम कर सकते हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए, उसके बाद ये काम बहुत आसान है। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको ये सारा तरीकाकार समझ आ गया होगा कि आपने बैकग्राउंड्स लेने कहाँ से हैं, चेंज कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर में करना है। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।